हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी प्यारे बच्चों को लेकर फॉर्म को मैं आपको सभी को मैं बताने वाला हूँ कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कब इसके फॉर्म अब आने वाले हैं और कौन कौन बच्चा इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को इस एक कम्प्लीट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और कोई फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है और नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नीट की कोई भी मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको आपकी सिलेक्शन और आपकी मंजिल तक लेके जाएगा बच्चे। बिल्कुल हाँ जी, तो हम एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। और देखो जो दिनेश सर आपको आपके सामने मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपको। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी कुछ दिन पहले जैसे राजस्थान के रिजल्ट को लेकर मैंने अपडेट दिया था और ये भी कहा था कि 10 ये 12 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन इस बार क्या है प्यारे बच्चे, आज की मैं एक कल की कटिंग में आपको न्यूज़पेपर की पर लेके चलूंगा, ये देखो कुछ चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे पाएगा। पहली चीज़ मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर अपेयरिंग वाले बच्चे बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल, जिस बच्चे का इस बार जिसने 12th पास किया, अभी आपका बोर्ड का रिजल्ट आया होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th करी है, चाहे कोई भी बोर्ड हो और आपके डोमिसाइल राजस्थान के तो आपके डॉक्यूमेंट्स राजस्थान के, तो आपके राजस्थान वाला 85% वाला आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और कोई अदर स्टेट से कोई बच्चा है तो उसको प्यारे बच्चे 15% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो 12th पास बच्चे बैठ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पर जितनी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जितनी सीटें हैं ना उतनी कहीं भी नहीं है। आज अगर मैं बात करूँ बच्चे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीट है, राजस्थान के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है। कितनी सीट है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2500+ सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि 39 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अभी राजस्थान के अंदर। प्यारे बच्चे बोले तो 39 गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग की है बच्चे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गवर्नमेंट की, प्राइवेट तो कम से कम 150+ है, इस बार संख्या 200+ चली जाएगी। तो आपके जो फॉर्म है उस फॉर्म को लेकर मैं डिस्कस करता हूँ और आपकी एज क्रिटेरिया ध्यान से सुन लेना, 17 साल कब तक होना चाहिए? 31 दिसंबर 2024 को मैक्सिमम एज क्रिटेरिया हट चुका है अकॉर्डिंग टू INC। अब हम चलते हैं फॉर्म को लेकर, जिसके लिए आपको काफी देर से इंतजार करना पड़ रहा है। अभी अभी देखो जैसे आपको पता हो कि RUHS का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मतलब बीएससी नर्सिंग का RUHS करवाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, और उसको परमिशन देता है RNC, ठीक है? तो ये देता है, तो अब ये परमिशन ऊपर से मिली हुई है और एक आपके राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग RMC से भी आपकी परमिशन मिलती है, क्योंकि RUHS से सुपीरियर वो होते हैं RMC वाले। तो अभी और ये जो एग्जाम होते हैं राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है या तो जनरली कौन करवाता है? अधीनस्थ बोर्ड करवाता है या करवाता है RPSC। आप कहोगे सर हमारे इससे क्या लिंक है? बिल्कुल 100% लिंक है। अभी जो राजस्थान के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने परमिशन मांगी थी कि जितनी भी वैकेंसी है उनका हमें रिजल्ट निकालना है, लेकिन चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा रखे राजस्थान के अंदर। तो आचार संहिता लगने के पश्चात क्या होता है, ना तो कोई नई वैकेंसी निकाल सकते ना कोई वैकेंसी का रिजल्ट निकाल सकते, तो उस चीज को पोस्टपोन कर रखा था कि जब आचार संहिता हटेगी तब ये सारे के सारे रिजल्ट निकलेंगे। तो प्यारे बच्चे जो 7 भर्ती में सबसे पहले आएगा ये आपके काम की चीज नहीं। मैं यहां से मैं एक चीज बता देता हूं कि अब आयोग ने परिमाण जारी करने की आपके सामने अनुमति दे दी, तो जितने भी परिणाम आपके सामने हैं उसकी परमिशन आपकी जो आचार संहिता जो हट चुकी नहीं है अभी तो हटेगी, 4 जून के बाद आपके आचार संहिता हटने के पूरे पूरे चांसेस है, लगभग 10 जून तक हट जाएगी क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और 4 जून को ये भी तय हो जाएगा कि भारत के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है, ठीक है? तो अब आचार संहिता वाला तो लफड़ा आपका हो सकता है क्योंकि अपने वाले के लिए अभी तक न्यूज नहीं आई है, तो इस कारण से आपका फॉर्म अगर डिले होगा तो एक ही मेन वजह है, अन्यथा कोई भी वजह नहीं है कि सर हमारे फॉर्म डिले हो। तो आपका फॉर्म अगर डिले होगा तो मैक्सिमम देखो 4 जून को अगर आपका ये जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपकी आचार संहिता हट जाएगी, तो फिर सर अगर फॉर्म जाएगा तो मैक्सिमम डिले, मैं बता रहा हूं बच्चे मैक्सिमम डिले 10 जून तक हो सकता है, और अगर आचार संहिता वाला लफड़ा आपके बीच में नहीं फंस रहा है तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब 10 जून को अगर आपका फॉर्म आया तो 10 जून को अगर आपका फॉर्म गया तो सर एग्जाम कब कंडक्ट करवाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम
10 जून को फॉर्म आए, तो जून जुलाई तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा फिक्स 45 दिन बाद कंडक्ट होगा। तो जून के 45 दिन बाद आपका एग्जाम, क्योंकि देखो 29 मई को फॉर्म आया था, तो पिछली बार 29 मई को फॉर्म आया था, तो मैं आपके सामने एक एक दिन काउंट कर देता हूँ। तो पूरा जून था, जून के बाद आपके कितने 30, 50, 55, 60 दिन मिले थे पिछली बार, तो 60 से कम मान लो 5 दिन, 5-6 दिन, तो आपके पिछली बार 55 एक दिन मिले थे। इस बार आप मान के चलो मिनिमम 45 डेज मिलेंगे और मैक्सिमम 60 डेज मिलेंगे। तो 60 डेज भी हम मान के चलते हैं, जून में फॉर्म आता है तो आपके 10 अगस्त तक एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, मतलब एग्जाम डिले होगा। जितना फॉर्म डिले हो रहा है ना उतना ही एग्जाम डिले होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अभी हम जो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या है कि अभी हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से जारी रखेंगे, और हमने ये जो डायमंड बैच है इसमें हमने पूरा रिकॉर्डेड कर दिया है, और अब इसके साथ साथ ये हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन का, कल से मंडे से नया RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट फाइनल बैच है। उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स आएगा, वो आएगा 20 जून के अराउंड आएगा। तो जो बच्चा RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल डिटेल स्टडी करना चाहता है एकदम फुली ऑफलाइन, तो उस बच्चे का हार्दिक अभिनंदन है। अपना ऑफलाइन सेंटर है प्यारे बच्चे जयपुर, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 88 52 041 88 9। तो इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हो 88 52 041 88 9। ये ऑफलाइन के लिए, स्पेशली ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन से संबंधित कोई भी सूचना हो प्यारे बच्चे आपको 8852041889 इसी पे कॉल कर लो। आपके लिए मैंने बहुत कम फीस करवा दी है, अब आप देख लेना कि आपका फुल सिलेबस करवा के भेजूंगा, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूंगा सिलेबस की, और ऑफलाइन में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। देखो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ऑफलाइन में आकर कितना पॉजिटिव फील हो रहा है और कितना आप लोगों में इंप्रूव हुआ है जीएस प्लेंट की ऑफलाइन क्लासेज में आकर, क्योंकि प्यारे बच्चे एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। तो आप आ सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नहीं सर हमें तो ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो ऑनलाइन के लिए हम ये ऑफलाइन वाला ये हमने पूरा रिकॉर्डेड कर दिया, उसके साथ साथ ऑफलाइन की कुछ चीजें आपको यहाँ पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम में मिल जाएगी। कोर्स की प्राइस 499 है, आपके लिए बहुत सस्ता ऑफर कर रखा है बच्चे। और एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि सर हम अभी भी अगर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, अन्यथा आप डिले हो जाओगे प्यारे बच्चे, ठीक है। और ये आपके सामने मैंने सीटों की बातें कर ही ली थी, और आप तैयारी करो SMS मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि इसके अंदर कोई फीस नहीं लगती है। तो मेरे लाडले बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, शिद्दत से आपको मेहनत करनी है, मेरे साथ जुड़ना है, और आपको रियल में आज की वीडियो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वाली लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। और आपके सिलेबस में केवल 12th आएगा, और इस वीक में हमारी 12th की 100 टॉप MCQ की क्लासेज आएगी, तो आप सारे बच्चे लाइव जुड़ना ना भूले, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़े अपडेट के साथ, ऐसे जुड़े रहना, ऐसे प्यार देते रहना, आज के लिए इतना ही।